हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो कुत्ता 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 सॉन्ग रेडी, मतलब कल आ चुका है और आप लोग देख भी लिए होंगे। तो इस सॉन्ग का जो लगभग 19 घंटे में 1.2 मिलियन से ज्यादा ऊपर व्यूज मिल चुका है और लाइक भी अच्छा खासा है, कमेंट भी अच्छा खासा है। तो अच्छा खासा इसको पब्लिक पसंद कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसा पब्लिक जो है जो ये सॉन्ग को कुछ कुत्ता शब्द इस्तेमाल है जो नहीं सुनना चाहेंगे। लेकिन जो भी है, मीका सिंह सर का फैन है और भी दूसरा आदमी जो है, वो इस गाने के टून जो है ना बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लग रहा है सुनने के लिए, तो सुन रहे हैं। लेकिन लेकिन ये बात ये है कि अभी KRK ने ट्वीट किया हुआ है और क्या बोल रहे हैं वो, कि अभी मीका सिंह के ऊपर मानहानि के केस करेंगे और सबको घसीटेंगे उसमें, जितना 3-4 आदमी जो म्यूजिक दिए हैं, जो डायरेक्टर जो एडिट किए हैं, सबको मतलब वो कोर्ट में बुलाएंगे और केस कर चुके हैं, क्योंकि वो ट्वीट ऐसा किए हैं कि मतलब उनको कोर्ट में आना ही पड़ेगा। तो अब जाके इनको समझ में आ रहा है कि किसी के पर्सनल मामले में बोलने में और करने में क्या फर्क होता है और क्या तकलीफ होता है। अब इनको समझ में आ गया है और आ चुका है, क्योंकि अगर हम किसी के ऊपर अटैक कर रहे हैं तो दूसरा भी आदमी हमारे ऊपर अटैक कर सकता है और बता सकता है कि हाँ तुम ऐसे ऐसे हो। हालांकि इस सॉन्ग में तो उनका नाम नहीं लिया, लेकिन वीडियो में उनका फोटो वीडियो यूज किया गया है। तो शायद अगर केस करते हैं तो वीडियो सॉन्ग तो शायद रहेगा, लेकिन वीडियो कुछ डिलीट करके कुछ दूसरा वीडियो एड मतलब करेंगे उसमें। लेकिन क्या मीका सिंह और KRK का ये जो है केस जाएगा कोर्ट में, तो क्या मीका सिंह इस वीडियो को डिलीट करेंगे या नहीं करेंगे, सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है। तो हमको तो ये लगता है कि वीडियो डिलीट ये कर सकते हैं, लेकिन दूसरा वीडियो अपलोड कर सकते हैं उनका फोटो निकाल कर, जो KRK का उसमें फोटो है, वीडियो जो ऐड किए हुए हैं वो निकाल के ये सॉन्ग को वो फिर अब से रिलीज कर सकते हैं, क्योंकि सॉन्ग में उनका नाम नहीं है। और कोर्ट क्या बोलता है इस बात को सुनना है। तो देखते हैं कब तक मतलब इसका सुनवाई होता है और क्या होता है, इसके आगे जो न्यूज आता है उसको बात करेंगे। लेकिन सलमान सर के बारे में ये जितना भी बोले हुए थे, जितना भी उनको मतलब उनके चैरिटी के बारे में और उनके पैसा कमाई के बारे में और राधे मूवी के बारे में क्या क्या उल्टा सीधा बोले थे ना, अब इनको समझ में आ चुका है कि हाँ मैं जो बोला था वो गलत है, क्योंकि अब इनके ऊपर खुद अपने ऊपर आ गया है ना, इसके लिए इनको ऐसा लगेगा। तो देखते हैं क्या होता है अगर ये केस में कोर्ट में जाते हैं तो क्या होता है, जान मतलब मानहानि का जो मतलब केस से मतलब वो करते हैं तो क्या मतलब इसका रिजल्ट आता है। और सलमान सर के और जो KRK का जो बीच में था, अब इसको 15 जून तक मतलब डेट बढ़ चुका है, तो ये डेट अब कब कब तक बढ़ता है अब देखते हैं। तारीख पे तारीख जो सनी देओल साहब बोले हुए थे वही हाल होता है कि इसका 15 तारीख को फाइनल होता है। 15 तारीख को फाइनल कहीं होता है तो फिर मीका सिंह और KRK का ये कितना दिन चलता है ये देखते हैं। तो कुल मिला के बहुत अच्छी बात है, सॉन्ग को अच्छा खासा मतलब रिस्पॉन्स मिल रहा है। तो आप लोगों को ये सॉन्ग कैसा लगा हुआ है और आप लोग कमेंट में बताइए, और ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा ये भी कमेंट में बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं एक और दूसरे वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।